हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? चलिए, आज मौसम बहुत अच्छा है उज्जैन का। दिन में थोड़ी हल्की सी शॉवरिंग भी हुई थी और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आइए एक रेस्टोरेंट में आज चलते हैं। नॉट ओनली रेस्टोरेंट, ये अपने आप में एक रिजॉर्ट है। ये इसकी पार्किंग है, मैं आपको होटल का नाम भी अभी बताऊँगा। और ये जब आप चिंतामन दर्शन करने जाते हैं उसी रोड पर आता है, जो नागदा और उज्जैन की रोड है उसी पर आता है। तो जब भी आप चिंतामन दर्शन करने जा रहे हैं, आप बाहर से आए हैं या नागदा के रूट से आ रहे हैं या इंदौर के रूट से आ रहे हैं, तब भी आप यहां आ सकते हैं। चिंतामन रोड से आप दर्शन करके आएंगे तो ये टूवर्ड्स उज्जैन पड़ेगा, सेम नागदा भी। और इंदौर से अगर आते हैं तो आपको लेफ़्ट टर्न लेना रहेगा उज्जैन एंटर होते से, और रेलवे स्टेशन से ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपके पास अपनी गाड़ी है तो फिर तो बहुत इजीली आप यहाँ आ सकते हैं लंच या डिनर करने। ये हट्स बने हुए हैं, बाहर से दिखा रहा हूँ आपको, इसके बाद हम इसको अंदर से भी देखेंगे कि ये अंदर से भी कैसे लगते हैं। तो ये बहुत ही ओपन रिजॉर्ट है, गर्मियों में ख़ासतौर से आपको बाहर बैठ के खाना खाना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई यहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही और आसपास खेत हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडी हवा रहती है यहाँ पर। ये इसका लोअर स्पेस है, यहाँ पर बैठ के भी आप लंच या डिनर कर सकते हैं। अभी जैसे गर्मियों में तो बाहर नहीं बैठा जा सकता है लंच में, पर हाँ डिनर टाइम में आप यहाँ पर ज़रूर डिनर कर सकते हैं। इसका नाम है मधुबन रिजॉर्ट एंड फैमिली रेस्टोरेंट। इसके अलावा यहाँ पर एसी एंड नॉन एसी रूम्स भी अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी लाइट्स लगा रखी हैं, काफ़ी बड़ी स्पेस है, बाहर पार्किंग की स्पेस भी बहुत बड़ी है। और इसी के साथ साथ यहाँ लोअर स्पेस, अपर स्पेस और अंदर भी फैसिलिटी है। अगर आप अंदर बैठ के भी लंच या डिनर करना चाहें सो दे हैव अ स्पेस। ये अब अपर स्पेस पर आ गए हम। चलिए मधुबन रिजॉर्ट का हम मेन्यू चेक करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। हाँ, ये रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट है, लेकिन जब आप बाहर बैठ के खाना खाते हो तो आपको थोड़ी ढाबे वाली फीलिंग आ जाती है। चाइनीज़ फूड भी है यहाँ पर, मैगी स्पेशल भी है। अगर आपके साथ में बच्चे आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो मैगी ही प्रेफर करेंगे। दाल की वैरायटी है, इसके अलावा सब्जियाँ, मलाई पनीर, मशरूम मलाई, मटर पनीर की सब्जियों की तो लंबी सी लिस्ट है, इसमें से जो आप लेना चाहें। सेव टमाटर भी यहाँ के फेमस हैं, कोफ्ता वैरायटी भी है, कोफ्ते की अलग अलग वैरायटी है। इसके बाद लास्ट में हमने जो यहाँ के ऑनर हैं त्रिवेदी जी, उनसे भी बात करी थी और उन्होंने भी रिजॉर्ट के बारे में कुछ बताया कि ये 1-2 साल पुराना है और यहाँ का क्या स्पेशल है। हमने भी यहाँ पर डिनर करा था, बहुत सुंदर हॉट सा। सेंटर में पॉन्ड है और इसमें फाउंटेन वगैरह लगाएंगे। और ये जो फैमिली के लिए इन्होंने यहाँ पर प्राइवेसी प्रोवाइड कराने के लिए छोटे छोटे हट्स बना रखे हैं, बहुत सुंदर हट्स हैं ये। और यहाँ बैठ के एक फैमिली 7-8 लोग बैठ के लंच या डिनर कर सकते हैं। इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी इसमें फर्नीचर का काम होना बाकी है। रूम्स हैं, एसी रूम्स हैं, नॉन एसी रूम्स हैं, सबका किराया 1000 से 1200 के बीच में है। और अब हम अंदर आ गए हैं रेस्टोरेंट के। अगर आप बाहर नहीं बैठ के खाना चाहते हैं, खासतौर से दिन में गर्मियों में, सो यू कैन सिट इनसाइड। देखिए, मुझे इस रेस्टोरेंट की, इस रिजॉर्ट की सबसे अच्छी बात ये लगी कि बहुत ओपन है। बाहर ग्राउंड में आप देखोगे, पार्किंग देखोगे, रेस्टोरेंट देखोगे, अंदर तो आपको बहुत अच्छी स्पेस लगती है। स्पेशल थाली भी है यहाँ पर, रेट थोड़े ज़्यादा लगे मुझे, हालाँकि दाल बाफले है, देन सादी थाली भी है। तो हमने यहाँ का जो स्पेशल था मधुबन पनीर वो मंगाया है और दाल मंगाई है। हालांकि सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही स्पाइसी थी, हमने स्पाइसी का बोला था बट थोड़ी ज़्यादा एक्सेस में स्पाइसी हो गई थी। एंड दाल वॉज सो यमी, दाल बहुत टेस्टी थी, गाढ़ी थी। एंड क्या शुभ नाम है आपका? पीयूष त्रिवेदी। अच्छा, तो त्रिवेदी जी ये बताइए कि जनरली कस्टमर्स जब यहाँ आते हैं तो वो क्या खाना पसंद करते हैं? सर, हमारे यहाँ क्या है कि टाइमिंग 11 बजे से सुबह से रात की 11 बजे तक है और हमारा पूरा शुद्ध शाकाहारी भोजन है। अच्छा। और अधिकतर हमारी डिशेज फेमस पनीर की है और सादी डिशेज भी फेमस है, बहुत सारी वैरायटी है पनीर में हमारे यहाँ। अच्छा। और हमारे यहाँ का स्पेशल है मधुबन पनीर स्पेशल।
अच्छा मधुबन पनीर, अच्छा चलिए अच्छी देते हैं और सब कुछ बढ़िया है वो। अच्छा चलिए हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो जरूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी सी लोकेशन क्लियर करिए, मान लीजिए नागदा के अलावा भी अगर कोई यहाँ से आना चाहता है, इंदौर से आना चाहते हैं आप तो इंदौर से आप ये रिंग रोड पकड़ते हैं नागदा इंदौर बाईपास, तो बस वहाँ से इंदौर से आप जैसे ही इधर घूमे शांति विलास होटल के यहाँ से तो ये अपना 7 किलोमीटर में यहाँ पड़ता है ये। अच्छा रिसोर्ट। और कितना टाइम हो गया अपने रिसोर्ट को? सर मेरे को हो गया कम से कम 1.5 साल। अच्छा 1.5 साल, मतलब ये लॉकडाउन के बाद में आपने ओपन करा था? फरवरी आएगी उसमें 2 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा चलिए हम व्यूअर्स से भी बोलेंगे कि एक बार उज्जैन आए दर्शन करने तो यहाँ जरूर ट्राई करें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच।